फरीदाबाद में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक हेल्थ सेंटर पर छापेमारी की। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के सामने जो चीजें निकल कर आईं, उसे देख कुछ वक्त के लिए तो स्वास्थ्य विभाग की टीम के होश उड़ गए। दरअसल स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हेल्थ सेंटर में गर्भपात कराने के गैर कानूनी धंधे का भंडाफोड़ किया। इसके लिए विभाग ने पूरी प्लानिंग के साथ दबिश दी और रंगे हाथों आरोपियों को पकड़ा। जो कोमल क्लिनिक पर आप पहुंचे हैं, क्या क्या चीजें यहां पर आपने बरामद की हैं और उनको काबू किया है? कोमल क्लिनिक में एक तो इन्होंने MTP किटी दी है जो एबॉर्शन के लिए काम में आती है, जो हमने डिकॉय पेशेंट बना के भेजा था। इसके अलावा यहाँ पे एलोपैथिक दवाइयाँ बहुत सारी हैं, इसमें से बहुत सारी दवाई हमने सील की हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट भी है जिनसे जो मरीजों को देखने के काम आते हैं, वो भी हमने सील किए हैं यहाँ से। इसके अलावा इनकी प्रिस्क्रिप्शन स्लिप और जो भी हमें यहाँ पे मिला है वो सब चीज़ सील की जाए। यहाँ पर क्लिनिक में कोई बोर्ड वगैरह कोई ऐसी जानकारी किसी तरह की? क्लिनिक में बाहर तो कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है, लेकिन इन्होंने प्रिस्क्रिप्शन स्लिप बनाई हुई है और क्लिनिक का नाम है कोमल हेल्थ केयर क्लिनिक सेंटर के नाम से चल रही है क्लिनिक। अच्छा, कुछ डिग्री वगैरह इनके जो ये चला रहे थे क्या कुछ? नहीं, हमने इनसे पूछा था, ये जो डॉक्टर आनंद है जो इसको चला रहे हैं क्लिनिक को, लेकिन ये कोई डिग्री दिखा नहीं पाए और उन्होंने बताया कि ये जस्ट 12th पास है और उसी के उस पे चला रहे हैं। जो कि कोमल इन्होंने नाम रखा कि लेडी चला रही थी या जेंट्स चला रहे हैं? नहीं, यहाँ तो हमें ये डॉक्टर आनंद ही मिले हैं और कोई लेडीज नहीं मिली इसको चलाते। बता दें कि सिविल सर्जन पलवल को सूचना मिली कि काफी वक्त से समय पर गांव में गर्भपात करने का काम किया जा रहा है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा हेल्थ सेंटर पर छापेमारी की गई। इस दौरान गर्भपात करवाने के अलावा ये बात निकल कर सामने आई कि हेल्थ सेंटर में महिलाओं को गर्भपात करवाने के लिए प्रेरित किया जाता था। सिविल सर्जन पलवल को एक गुप्त सूचना मिली थी कि पलवल डिस्ट्रिक्ट से कुछ गर्भवती महिलाओं को या अबॉर्शन पर्पज़ के लिए कोमल हेल्थ सेंटर समरपुर फैजाबाद में लेके आया जाता है और यहाँ पे जो डॉक्टर है उन्हें MTP किट प्रोवाइड करवाता है और अबॉर्शन करने के लिए भी प्रेरित करता है और इसके बदले में वो हैवी अमाउंट इनसे चार्ज करता है और लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा है। कुछ केसेज ऐसे आए थे जिन्होंने इसके दी हुई दवाई से MTP किट ली और जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हुई और हैवी ब्लीडिंग की वजह से काफ़ी एबनॉर्मेलिटी उनके साथ होनी और उनकी जान पे भी बनाई थी। तो इसी सूचना की जाँच के लिए डॉक्टर परवीन, डॉक्टर प्रियंका शर्मा, डॉक्टर सुदीप सैनी जी हैं, हमारे नोडल ऑफिसर हैं PNDT के, उनकी टीम बनाई गई और उन्होंने एक नकली ग्राहक बनाई आज एक लेडीज़ और वो प्रेग्नेंट है। उस लेडीज़ को यहाँ पर भेजा गया और उसको नंबरी नोट दिए गए थे और वो लेडीज़ यहाँ के डॉक्टर आनंद से मिली और उनसे बताया कि वो ऐसे ऐसे प्रेग्नेंट है और उन्हें MTP किट चाहिए और अबॉर्ट करना है बच्चा। तो इन डॉक्टर आनंद यहाँ में मिले जो उन्हें, उन्होंने 1,700 रुपये में उसको एक MTP किट प्रोवाइड करी और उसको बकायदा उसको बताया कि किस किस तरीके से MTP किट कंज्यूम करनी है। उस लेडीज़ का ना तो इन्होंने कोई टेस्ट कराया, ना ही कोई उनका हीमोग्लोबिन चेक कराया, ना ब्लड HP कराया, कुछ भी नहीं कराया। जस्ट उन्हें बिना लापरवाही से करते हुए किट दे दी। किट लेने के बाद जो है उस प्रेगनेंट लेडीज ने हमें इशारा किया, उसके बाद हम क्लिनिक में आए तो हमें ये देख रहे हैं ये डॉक्टर आनंद हैं ये मिले और इनसे जब हमने क्वालिफिकेशन इनकी पूछी तो ये 12th पास हैं, इनके पास कोई मेडिकल में डिग्री नहीं है। अब ये देखेंगे इनके, आप अपना कैमरा देखें कितनी मेडिसिन का इन्होंने स्टॉक किया हुआ है, इनके पास इनका भी बिल नहीं है। तो अब स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा रही है। MTP एक्ट में जो डक्शन कॉस्मेटिक और भी सेक्शंस हैं वो हम इन पे लगाएंगे और इस पे कठोर कार्रवाई करेंगे। गौर करने वाली बात ये भी है कि हरियाणा में गर्भपात कराने वालों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन सख्ती से पेश आ रही है, लेकिन कुछ लोगों को फिर भी ना तो सरकार का डर है और ना ही पुलिस प्रशासन का। ये लोग पुलिस की नाक के नीचे बिना खौफ के ऐसे कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। फरीदाबाद से अनिल लाठी, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।